अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? सब उम्मीद है सब खैरियत से होगे। अभी आग भी नहीं खुली है और तुम लोग आ गए ब्लॉग देखने के लिए। भाई उठने दो, फिर करते हैं कुछ। अभी सुनो, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त इतना तैयार क्यों हूँ। वो मैं इसलिए तैयार हूँ क्योंकि हमज़ा आ रहा है मुझे लेने के लिए, और हम क्या करने वाले हैं आज पूरा दिन वो आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। आगे खुल गई है मेरी अभी, और आगे भी ऐसे खुली है कि दो बार मेरे छोटे भाई ने मुझे आके उठाया कि भाई उठ जाओ, जाना है आज पिकनिक पे हमें। असल में आज जाना है हमें पिकनिक पे, और अभी मैं जा रहा हूँ, और क्योंकि मैं नीचे उठकर आया हूँ और बाबा ने कहा कि बेटा जाकर असीरा को ले आओ, साथ ही जाना है उसको। अच्छा भाई, तो अब जा रहा हूँ उसको लेने के लिए, रास्ते में हूँ। सीन ये है कि रुखसती अभी नहीं हुई है, जैसा कि आप लोगों को पता है तो निकाह ही हुआ है, तो अभी मैं उनको लेकर अगर मैं पिक भी करूँगा तो वो नीचे अपनी गाड़ी में वेट करेंगे, फिर सब नीचे आएंगे और फिर वहीं से हम लोग जाएंगे। वो घर अभी नहीं आएंगे, घर वो आएंगे, अम्मा देंगी उनको दावत, तब वो आएंगे घर। अभी वो ऐसे एंटर नहीं होंगे घर पर। तो भाई ये सीन है इन शॉर्ट। तो भाई गाड़ी चला लूँ या आप लोग से बात कर लूँ? नहीं नहीं, आप लोग बता दो कि मैं क्या करूँ। मैंने वैसे भी ना वो सनग्लासेस लगाए हुए, पावर वाले नहीं लगाए हुए। पावर वाले लगाता हूँ तो मुझे नजर आता है, सनग्लासेस में तो अंदाजे से चला रहा हूँ गाड़ी। अच्छा जी, तो हमजा ने मुझे पिक कर लिया है और अब हम जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? घर मेरे। मेरी बहन आई है मेरे साथ। चौकीदार बोल सकते हैं? इधर इधर बात तो सुन, तुम तो आओ सामने, आ जाओ भाई, आ जाओ। चौकीदार बोल सकते हैं तुम्हें? या फूल के साथ गमले बोले? गमले बोले, जो उंगली से लट कर जो हो गया वही तुम्हें बोलेंगे। ये चौकीदार वाली थी। अच्छा जी, तो अभी हम जा रहे हैं हमजा के घर, और फिर वहां से हम कहाँ जा रहे हैं? हॉक्स पे। आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे। ये हमारी पहली पिकनिक निकाह के बाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सो ही नहीं हूँ। कहेंगे सोती नहीं है। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मोटा बहुत मुश्किल से। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं और ये रही हमारे साथ ये। हेलो, सही आओगी तुम? मैं बोल रहा हूँ ये रही हमारी गाड़ी, 16 लोगों के लिए हमने ये गाड़ी की है माशाल्लाह से। यहीं खड़ी रहोगी? बैठो जाके। वो कहाँ गई? वो बैठ भी गई जाके? इतना फ्रैंक पहली बार में। हेलो, गुस्सा आ गया ड्राइवर को। मैं सिर्फ हाथा पाई होगी और मुंह मारी होगी, कोई गाना नहीं लगेगा। क्या गाने सुनाया? नहीं आप तो जरा दिखा दीजिए आप अपना। हेलो डीजे वाले बाबू, कहाँ आया बस पे आ रहा है? हेलो, पानी तो देखो जरा, क्या छीटे आ रहे हैं? अन्नी अल्लाह, आगे मत जाइए। हेलो हेलो, मुझे आ रही है तुम्हारी पे। हम अपने साथ डॉक्टर भी लेकर आए, कोई बीमार होगा तो ये डॉक्टर साहब हमारी चेकअप कर लेंगी फौरन। ये लैब से डायरेक्ट इधर ही, लैब कोट पहनी हुई है ना, लैब से डायरेक्ट इधर ही आ रही है। और ये बस टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, ये जो है ना इलाज जो वो इंजेक्शन से करती है, इससे बगैर इलाज के ही सब सही हो जाएंगे। क्या भी नहीं आएंगे, वर्किंग डे मामा, वर्किंग डे है ना, वर्किंग डे है, वर्किंग डे है। अस्सलाम वालेकुम, सामान उतारो सब। जी बाबा उतारो। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने हट पे, और हट का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू देता हूँ, क्योंकि ये वो हट है जहाँ पे हम लोग, मैं पिछले तकरीबन 11 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ फैमिली के साथ। ये हमारे फादर को अलॉट हुआ है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, तो ये देख लें, ये है वो हट जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में था अभी से 10-11 साल पहले, और हम लोग आते रहे काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे हमने एक बीच पार्टी भी अरेंज करवाई थी दोस्तों की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था मैनक्विन चैलेंज, और हमने यहाँ पे मैनक्विन चैलेंज किया था, और वहाँ से सब खड़े होकर देख रहे थे बाहर से।
कि क्या चल रहा है, सारे अपनी जगह पे क्यों रुक गए, आप लोग को ज़्यादा बेहतर पता होगा। और यहाँ हम लोग खेलते थे क्रिकेट, ये ऐसी जगह नहीं थी, ये बहुत क्लियर जगह थी, बहुत अच्छी थी। सब एकदम सच बताया हूँ मैं, कोई बात झूठ नहीं बताया हूँ। क्या नहीं फिल्टर ही तो नहीं लगता, यही तो मसला है। हेलो गाइस, हाय गाइस, अभी हम जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग लेने और नहाने। नहाओगी तुम? नहीं भाई, एक ही कपड़े में आई है, उसी कपड़े में रहेंगे। आप क्या करके आए? कर लिया आपने हॉर्स राइडिंग? कर लिया, करके आया हूं और ऊंट पे बैठा हूं। क्यों, पूरा क्यों नहीं नहाए पूरा? अभी दिल्ली से आ रहा पानी देख के। चलो सन्नाटा, ये देखे हम आपको सन्नाटे से मिलवाते हैं। इधर देखो सुरखाब, ये है हजीरा की छोटी बहन। She's so sweet and so quiet. Oh, और ये सांप पड़ा हुआ है यहाँ पे, आप देख ले। जी जी जी, ये देख ले आप, ये सांप है, सांप का मुंह भी खुला हुआ है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो हम दिखा देंगे, देखें ये सांप है। तकरीबन कोई ये वीडियो में तो पता भी नहीं चल रहा, ये तकरीबन है 8-9 फिट लंबा है। तो गाइज देखा हमने आपको कितनी चीज़ें दिखा दी है, आप कोई नहीं दिखाएगा आपको अपने व्लॉग में। देखकर भाई, देखकर आना, देखकर आना। ये हमारे बाबा फुल एंजॉय करते हुए। हेलो, तो यहाँ से उतरने के लिए भी तुम्हें मेरा हाथ चाहिए? बस भाई, ये देख ले भाई, अदाकारियाँ लोगों की। ओहो सॉरी, सन्नाटे में अभी शोर आ जाता है, शोर यहाँ खराब हो जाएगा। घोड़े के नाम पे इन्होंने खच्चर रखे हुए हैं यहाँ पर। और कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही, हाय गाइस। हॉर्स राइडिंग और हम ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि हमें खुद से चलाना नहीं आता है, तो हमने ऐसे चल रहे हैं हम। हेलो, तो मैं आता है छोड़ दिया जैसी देखा व्लॉग बटन। आप इसको आता है चला, वापसी में तुम ही चलाओगी। मजा आ रही है, ये भी वैसी मांग लेंगे हमसे 3000। 3000 वाले तो नहीं हो ना तुम, 200 वाले हो ना? 200 तो नहीं, 100 रुपीज दिए अभी तो जितने भी फैमिली वालों ने बैठे सारे, एक एक बंदे ने 200 दिए। हमारे खानदान में ऐसे कब से होगा, मैं मान ही नहीं सकता। नहीं यार, सच्ची मैं मान ही नहीं सकता कि हमारे फैमिली पर बंदे ने 200 रुपए दे दिए। हमारी हॉर्स राइडिंग तो हो गई, अभी हम जा रहे हैं। आप नहा धोकर आ गई? नहीं आई, नहीं पानी में जाऊंगा कि मेरे कपड़े ना गीले हो। कपड़े काफी ऊपर हैं, बहुत देर में गीले होंगे। हाँ, चप्पल पहनकर आ जाओ। हाँ तो गाइस, दुनिया जो हो भी तू दास मुझे देख के हंस दे, तू चाहे मेरे जमीन रख दे, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊ जब जब तेरा दिल धड़के। माशाल्लाह से पॉइंट ऐसा था कि इतने पत्थर थे कि हम लोगों में से कोई भी सही से नहीं नहा पाया, और आके पहले तो सबने खाना खाया है, अभी चाय चल रही है और फोटोशूट चल रहा है। हाँ
हम पिकनिक के लिए जाएंगे, हम यहाँ तक गए, यहाँ दर्द हो गया। बाय गाइस। अच्छा गाइस, तो अब हम जा रहे हैं घर। जी हम पहले अपने घर गए और वहाँ से मैं इनको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ मेरे घर। हमने कुछ नहीं किया पिकनिक पे, लेकिन बहुत थक गए, बहुत थक गए हम लोग। ना हम नहाए सही से, हमने सिर्फ वहाँ गए, वहाँ पिक्चर्स वीडियोस वगैरह बनाई, थोड़ा सा फन किया फैमिली के साथ और आ गए, और उसी में हम लोग थक गए, बहुत थक गए। अब हम सोएंगे, हम सोएंगे। और क्या, हाँ जाते आते एक सीन याद आ गया मुझे, वो तो मैंने बताया नहीं था ना। क्या सीन ये था कि भाई मुझे बस ड्राइवर ने मुझे पकड़ लिया, मुझे देख के बोल रहे कि यार आप बॉडी बिल्डिंग करते हो। मैं आ गया थोड़े से चौड़े में, मैंने कहा यार चलो तारीफ करेगा बॉडी की, मैंने बोला हाँ यार करता हूँ। कह रहा सीना दबाओ है, कह रहा सीना दबाओ है। मैंने बोला यार मतलब वो खुद भद्दा भद्दा आदमी को था ना, चलो बिल्डर ये बात करे तो बात समझ में आती है, इतना बड़ा पेट उसका कि पहले पेट है दो मिनट के बाद वो है, वो मुझे बोल रहा है सीना दबाओ, सीने के ऊपर मेहनत करो। तो मैं क्या मेहनत करो तो वही यही मैंने बोला जाते आते एक किस्सा याद आया तो ये भी सुना दो। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, हमें इस ब्लॉग में भी बहुत 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 सारा प्यार दीजिएगा छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।